शाहजी ने बुलाया। केरे शाहजी? बब्बर शाहजी ने बुलाया है। तो ने कहो यहाँ खुद चल कर आए। सिद्धा मना ही कर दिया आने से। बब्बर शाह ने बात करनी है तो मेरे पास आके बात कर। चलो आप जो कुछ भी कर रही हैं उसे बंद कर दे। यहाँ आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, वरना आप यहाँ से चली जाए। अगर खवातीन अपनी फिटनेस पर ध्यान दे देंगी तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? लेडीज जिम है भाई, और कुछ नहीं है। इलाके का माहौल खराब हो रहा है। आपको ना दरअसल ये कहना चाहिए था कि बीबी इलाके का माहौल मजीद खराब हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका इलाका है ना, यहाँ पर पहले ही सबने जुबान बाहर निकाली हुई है अकेली औरत को देखकर। इसे आप माहौल कहते हैं? ये खराब हो रहा है। मैं यहाँ मेहनत करके हक हलाल तरीके से रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको पता है मुझे ये बात प्रूव किसे करनी पड़ रही है? एक बदमाश को। बिले जी शाह जी, लाख की लानत बेटा। वो उस दिन जो सॉरी करना हो जी, उस दिन तुमने लोगों सामने मेरी बेइज्जती की थी, आज कर ले थी। एक मिनट, सॉरी, राइट लेफ्ट बारी में। ओए अंदर आओ, बब्बर जी ने बात करनी है। जी शाह जी, वो उस दिन गलतफहमी की वजह से जो कुछ भी हुआ ना जी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे मियाँ जी सुनते हो? बब्बर जी तुम कितने क्यूट हो। आप लोग इतना हैरान क्यों रह गए? औरतों का आना अलाउड नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई काम था तो आप पैगाम भिजवा देती, आपने खुद क्यों तकलीफ की? यार आप सचमुच के बदमाश ही है ना जी। वो अब्बा जी एक बात है, मुझ पर नहीं चलेगी आपकी ये बदमाशी। हस्तरा करें जी, तोड़ा केरा बेल आना है जी। इंसानों के धोखों ने आपको ये जानवरों के करीब किया है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने को नहीं कहते, दूसरों के लिए जीने को कहते हैं ना। तो बस तब से सुकून में हूँ। ये तो हो गई मेरी कहानी। मेरी कहानी ये है कि मैं जो मर्जी कर लूँ मुझे सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वजह से मेरा सबसे कीमती रिश्ता। मैं माफी चाहता हूँ। आप अपने दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते ना? जिस तरह औलाद किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, इसी तरह कुछ दुख भी संभाल के रखने पड़ते हैं, पालने पड़ते हैं, बच्चों की तरह। हो सकता है बब्बर जी कोई आपके दुख भी अडॉप्ट करना चाहता हो। आप कितने हसीना मत जाना, मेरा टाइम हो गया। हम तो मत होश थे, हम तो कुछ ना कहे। कहा था ना तेरे घर में घुस के मारूंगा। देखना ना भूलिए जीवन नगर की आखिरी किस्त, हफ्ता रात 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।